गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है लंच टाइम के साथ। लंच टाइम हो चुका है, 12:30 हो रहे, तो मेरा बन रहा है यहाँ पर चुरकानी। जैसे कि आप देख सकते हैं कैमरा मैन फोकस करो, तो ये है मेरे भट निकाल दिए हैं, और ये लहसुन है, और ये हरी मिर्ची, अदरक और टमाटर। इसमें मैं इसमें ग्राइंड कर लूँगी इन सबको मिला के, और फिर मैं आपको फुल रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं इसलिए बना रही हूँ ये रेसिपी। अभी कुछ दिन पहले मेरी दीदी आई थी गांव से, जो आपने देखी मेरी दीदी आई थी, जो मैंने बोला था जिसको हम छोड़ के भी आए थे बुराड़ी अपनी बेटी के वहाँ, तो उन्होंने मुझसे बोला कि तेरी वीडियो ना, मैं मतलब तेरी वीडियो जब से मैंने देखी चुरकानी वाली, वो मैंने सबको शेयर करी, और जो चुरकानी नहीं खाते थे ना वो भी खाने लगे, और मैं भी खुद बनाती हूँ घर में, ऐसे बोला मेरी दीदी ने कि हम तब से बहुत मतलब उंगली चाट चाट के खाते हैं हम लोग, और मैंने जिसको भी भेजी सब कोई जो भी बनाता है तो बहुत तारीफ करते हैं कि अच्छी चुरकानी बन रही है, अच्छी रेसिपी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर से जो मेरे नए व्यूअर जुड़े हैं मुझसे, जो उनके लिए मैंने कहा फिर से मैं ये एक चुरकानी वाला वीडियो बहुत अच्छी तरह से एकदम क्लीन साफ सुथरा वीडियो बनाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ चुरकानी वाला। और चुरकानी खाने के लिए आ रही है मेरी एक फ्रेंड जो कि नीलम दीदी है, आप बहुत सारे लोग जानते भी हैं उनको, वो भी आ रही है क्योंकि उनकी फेवरेट चुरकानी है मेरे हाथ की। मेरे हाथ की चुरकानी अच्छा मानते हो, और बाकी तो वो खाना बनाने में एक्सपर्ट है ही नीलम दीदी, एक से एक बढ़िया खाना बनाती है, लेकिन उनको चुरकानी बनानी नहीं आती है और खाने में बड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं स्पेशल उनके लिए बना रही हूँ, और सोच रही हूँ अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए भी एक वीडियो। और एक मेरे देवरानी है, जो मेरे देवरानी भी हैं, आप दो देखते हैं मेरे देवरानी, छोटी वाली नहीं, जो बड़ी वाली है मेरे बाल वाली, वो वाली देवरानी भी मेरे को बोलती है बार बार कि आपकी चुरकानी की ना मतलब मैं जब आपकी चुरकानी जब से देखी और तब से मतलब ये मैं शायद पहले भी बता चुके हैं आपको एक वीडियो में, और तब से हमारे घर में मेरे बच्चे और मतलब मेरे देवर जो है वो मतलब उसके हस्बैंड वो सब खाने लग गए हैं चुरकानी। पहले नहीं खाते थे, कहते थे अच्छी नहीं हो रही, और जब से उसने मेरी वीडियो मतलब मेरी रेसिपी फॉलो करी और इसी तरह से बनाती है वो, और उसको अब बहुत अच्छा लगता है, मतलब अब वो कहते हैं कि हमारे घर में सब खा रहे हैं और बच्चे खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं बहुत टेस्टी हो रही है। तो फिर इसके लिए तो मैं मतलब मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया, और धन्यवाद जो आप सभी लोगों ने मेरी रेसिपी फॉलो की और मेरी तरह आपने बनाया चुरकानी और आपके घर में पसंद आई। मैं भगवान से कामना करूंगी इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखो, और जो मैं मतलब आपके साथ जो मैं शेयर करती हूँ उसको फॉलो करो, और अगर आपके घर में मेरी वजह से अगर अच्छा हो रहा है, बच्चे खा रहे हैं और सब कुछ हो रहे, तो इससे बड़ा और मेरे लिए क्या हो सकता है। तो मैं इसी से आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ, और बनाती हूँ अपनी चुरकानी। लहसुन डाल दिया, लहसुन है 80 रुपए पाव, 80 का 250 ग्राम, और जब खाना है तो फिर क्या घबराना है, मैं तो इतना डालूंगी, लोग कम डालते हैं। और यह है अदरक, अदरक तो कम है, 40 रुपए 250 ग्राम है। तो लहसुन अदरक और हरी मिर्ची और टमाटर इसमें काट के, मैं ना टमाटर का ये सब निकाल देती हूँ, ये जो है ना ये बेकार होता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है इससे कैंसर होता है, जो भी होता है मुझे पसंद नहीं है, बस मैं इसीलिए निकालती हूँ उसको, और लोगों की बातों में क्या आना है ना, लोग तो पब्लिक यहाँ मार देगी इंसान को, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, प्लास्टिक में ये है प्लास्टिक में वो है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है तेल, सरसों का तेल डाला है अभी, और इसको चला देती हूँ, और ये सब चीज़ें इसमें लगेगी। पानी भी मैंने यहाँ भर के रख दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं पानी भर के रख दिया। और एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ, ये है देखो मेरी ये 4 लहसुन की कलियाँ हैं, इनमें ये आ रखे हैं ना, 4 ही हैं ये, देख लो आप इसको, और इसमें ये आ रखे हैं कली निकल गई इनकी, तो इनको ना मैं बाहर गमले में लगाऊंगी, और मतलब ये हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी मैं, इनको भी लगा के आऊंगी, पहले इसको मैं चॉप कर लेती हूँ, पीस लेती हूँ मतलब। तो गाइस ये पीस चुका है, और इसमें मैं सूखे मसाले ऐड करती हूँ, साथ में ऐड करने से ऐसा होता है कि साथ में ना भूल भी जाते हैं, जैसे कि मैंने मिर्ची डाली थी, और हम लोग स्पाइसी खाते हैं, कई लोग नहीं खाते तो नहीं डाल सकते, मैं थोड़ी बहुत डालूंगी क्योंकि हम लोग चटपटा ही खाते हैं। और ये है धनिया पाउडर, और ये है हल्दी पाउडर, और इसमें नमक, नमक तो स्वाद के अनुसार जिसको जितना जो चाहते हैं, कम खाना ज़्यादा खाना, तो मैं तो डालूंगी 2 चम्मच, नमक भी ख़त्म हो गया इसमें डालना है, ये मैं डालूंगी 2 चम्मच, और मैं इसको भर के बनाने वाली हूँ आज खाने के लिए, आज हम लोग ज़्यादा ही हैं, और प्रयास भी आया है जो कि मेरा भाई का बेटा है, वो भी पसंद करता है चुरकानी। इसमें पहले डालूंगी जीरे का तड़का, छोटी कढ़ाई के लिए, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ ना छोटी कढ़ाई के लिए छोटा करछी यूज करते हैं, तो ये निकल, ये मेरा क्यूट सी कढ़ाई, क्यूट सा मेरा करछी, इसमें मैं यही वाला करछी यूज करती हूँ। सब कुछ मेरा तैयार हो चुका है, मैं निकालती हूँ जीरा, जीरा, और इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हींग, हींग का तड़का मारने से ऐसा होता है ना कि मतलब जो इसके अंदर बुरी चीजें होती है ना, बादी बादी जो भी होता है,
वो खत्म हो जाती है, तो इसलिए हींग का तड़का जरूरी है मेरे लिए। नहीं भी मार सकते हैं लोग, कहीं लोगों को पसंद नहीं आता। सबसे पहले जला लेते हैं हम चिमनी ऑन कर लेती हूँ मैं। ये ना बहुत शोर कर दिए, देखो कितने शोर, इसकी चलते ही इसका सारा म्यूजिक सिस्टम। वीडियो में बना रही है मेरी बेटी, तो उसको मैं जबरदस्ती पकड़ के लाई, वो नहीं बना रही थी, कह रही मैं नहीं बना रही हूँ, मैं अगर बनाना होता अपना नहीं बनाती, मेरे को बहुत सुनाती है ये, तो फिर भी मैं इसको पकड़ के लाई, प्लीज़ यार बना दे, क्योंकि मैं खुद से बनाती हूँ ना, तो ये सब चीज़ें अच्छी तरह से आपको नहीं दिखा पा रही, वो तो आपको भी पता है ना, सभी को पता है कि मतलब एक इंसान वीडियो भी बनाएगा, पकड़ेगा भी कैमरा और वीडियो भी बनाएगा और खाना भी बनाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि आपको आवाज़ आ रही है ना, चट 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 आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये होने वाला। खुशबू ना आ जाए भूनने की, बढ़िया से ब्राउन ना हो जाए तब तक मैं इसको चलाते रहूंगी। जैसे आटा ब्राउन हो गया ना, तो उसके बाद इसमें मिलाएंगे मसाला, जो मसाला पीसा हुआ है वो मिला। और इसमें जितने भी लम्स है ना, ये इनको सब धो लेंगे, लम्स तो है ना, इनको धो लेते हैं, निकाल लेते हैं, इनको मिक्स कर लेते हैं। तो गाइस ये मतलब ऑलमोस्ट बन ही चुका है, मतलब फुल इसका प्रोसेस हो चुका है, अब इसको पकना रह गया है, अब इसको एक घंटा पकाएंगे आराम से, पहले फुल कर लेते हैं और फिर एक घंटा पकाने के बाद फिर आपको इसका लुक दिखाती हूं मैं। तो चुलकानी मैंने चढ़ा दी है और अब आती है बारी इनकी, अब इनको भूखे आते हैं, आइए आप बाहर आपको भी दिखाते हैं। अरे मामा इसका भी लगा ध्यान। तो यहाँ पर मैं इनको बो देती हूँ और फिर देखती हूँ आपको कुछ दिन के बाद दिखाऊंगी कि क्या इसका रिस्पांस मिला है। ठीक है, इसको कैसे बोते हैं मुझे तो पता ही नहीं है, इनको कैसे मैं ऐसे रोक देती हूँ इनको। चलो जैसा भी होगा ये बाहर ही निकल ही जाएंगे। तो और यहाँ पर एक तीन बो दिए हैं और यहाँ पर बो दिया चार, तो चार थे ये, चार मैंने देख लिए, देखती हूँ कि किसका कैसा रिस्पांस होता है, कौन से पेड़ अच्छा निकलता है, निकलता भी है कि नहीं यार, देखते हैं जो भी होगा। चलो फिर जैसे हैं चार, एक दो तीन चार, भाई धूप आ जाए नहीं है। तो गाइस बन चुका है मेरी चुलकानी, फाइनली बन चुकी है, बहुत ही टेस्टी दिख रही है। हाँ इसमें ना मलाई लगी थी, मैंने हिला दिया था पहले, तो इसकी मलाई मैंने हटा दी ना, बहुत अच्छा लुक आ रहा था इसका। तो फाइनली चुलकानी बन चुकी है, अब खाने की देरी है और चावल भी बन चुके हैं, गैस बंद कर दिया मैंने और अब हम खाते हैं टेस्टी यमी लंच। और दीदी अभी तक आई नहीं, जिनके लिए मैंने स्पेशल बनाया हुआ है, पता नहीं कब तक आती हैं। तो गाइस बच चुका है ढाई और जिनके लिए मैंने चुलकानी बनाई है स्पेशल वो आई नहीं अभी तक दीदी, और मैंने इनको दे दिया खाना क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है। पिंसू कैसा हो रहा है? बढ़िया है? बढ़िया। सच में आज प्रियांश भी आया है चुलकानी भात खाने। और लवी कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है, थैंक यू। प्रिंस कैसा हो रहा है? तो कुछ सामान लेते हैं, फिर निकलते हैं। अच्छा हो रहा है, इसको बहुत बोला करो, ये पागल है पागल। लवी कह रही इसको मत बोला करो, ये पागल है पागल। यार लवी बहुत अच्छा बोलती है एकदम, लवी के बोलने से मजा आ जाता है। आपने अभी अपना वीडियो देखा ना लवी टीवी में? आपने अभी वीडियो देखा ना कल का टीवी में, कैसा मजा आया था, अच्छा लगा था? सबर करो, लवी ना इरिटेट हो चुकी है कि मुझे मम्मी खाना खिला रही है इसलिए कह रही है सब। अच्छा तो आ गई है मुझे लगता है खाने वाली दीदी हमारी भात। नमस्ते दी प्रणाम। तो ये आ गई है दीदी हमारी, इन्हें हमारा भात जो है ठंडा कर दिया है, तुम्हारे उसमें लिए बनाया था मैंने भात, उधर बैठो खा के। येनु कर दी जरूर, अंडी ने खा लिया होगा, अभी बताती हूँ खाने, उधर बैठो। हाँ अंदर है चलो,
तो दीदी आई हाथ थैला लेके, क्या लाए हो थैले में? बर्तन सर्तन। अच्छा, दीदी ने शिफ्ट यहाँ से कर लिया है। और दीदी आजकल थोड़ी बिजी हो रही है। यहीं पर कहाँ हो तुम, दूर चले गए हमसे? तो फिर खाना दे देते हैं फटाफट दीदी को भी। तो गई जी, आ गया है मेरा खाना। मैं तो कढ़ाई में ही खाऊंगी, लोहे की कढ़ाई में। और दीदी खा रही। दीदी कैसा हो रहा है खाना? ओ दीदी चुलकानी कैसी हो रही है? बढ़िया हो रही है। भटूरे खा के आई, भटूरे खा के आए हैं और उसके बाद भी खा रहे हैं। मतलब चुलकानी तो इनको इतनी अच्छी लगती है इसलिए ना। हाँ चलो फिर खा लेते हैं फटाफट, लोहे की कढ़ाई चाट लेती हूँ। तो गाइज हमने खाना खाने के बाद बहुत सारे मस्ती किए, हमने बैठे रहे बातचीत करी और टाइम नहीं लगा कि व्लॉग बनाओ। खूब मजे मस्ती किया और बच गया है 5:30। अब होता है शाम का समय, रोटी पानी का, चाय भी जस्ट पी है हमने। और आपको मेरी चुरकानी की रेसिपी कैसी लगी जरूर बताना। और आजकल मतलब कोई भी बना सकता है। आजकल ये मत सोचना है कि जो हमको भट्ट नहीं मिल रहे, और भट्ट की जो मतलब पहाड़ी फ्रेश आजकल हर जगह, जैसे रिलायंस फ्रेश होता था ना पहले, ऐसे आप पहाड़ी फ्रेश है दिल्ली में दुकान है, तो पहाड़ी फ्रेश में सब कुछ, पहाड़ी दालें वगैरह सब कुछ, बड़ी A to Z सब कुछ मिलता है, साग सब्जियां पूरी पहाड़ी आइटम, नथ से लेके ज्वेलरी से लेके फ्रूट से लेके और वेजिटेबल से लेके, और ये मतलब दालें वगैरह अनाज सब कुछ मिलता है वहाँ पे हमारे यहाँ पे। मेरी मजाक बना रहे बाहर से, ठीक है? तो उनको मत सुनना, आपको सुनाई दे रहा होगा, मुझे सुनाई दे रहा करे, खूब मिलता है। तो फिर तो आजकल ये कोई नहीं कहेगा कि हमारे पास भट्ट नहीं है हम कैसे बनाएं। तो आप पहाड़ी फ्रेश से ला सकते हैं। अगर आपके वहाँ पहाड़ी फ्रेश नहीं है तो हमारे वहाँ पर आप आओ, मैं आपको दिला दूंगी। यहाँ रहे, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं हमारे यहाँ पहाड़ियों की, और सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। और अपने घर में यमी टेस्टी चुरकानी बनाएं और मेरी रेसिपी फॉलो करें। और मुझे उनका बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मेरी रेसिपी फॉलो करने के बाद अपने घर में बच्चों को खिलाया, और उनके घर वाले खुश हुए, उनके बच्चे खुश हुए, उनके घर में जो लोग आए थे वो खुश हुए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो मैंने इसीलिए आप लोगों से मतलब आप लोगों से इतना खुश हो गए, मैंने ये फिर से वीडियो बनाई आप लोगों के लिए जो नए जुड़े हैं, और जो पुराने मेरी वीडियो चली गई बहुत नीचे, तो वो फिर से देख लेंगे और फिर से सीख लेंगे। तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो जरूर बताना, एक कमेंट जरूर कर देना। तो आई होप आपको मेरी ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, गुड नाइट।